कक्षा 8 के सभी विद्यार्थीगण, हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे। संस्कृत में आज हमें पाठ 9 पढ़ना है, जिसमें कन्याकुमारी नाम की नगरी का वर्णन है। कन्याकुमारी नाम की यह जगह कहाँ है, किस तरह की है, इसका वर्णन इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ एक विद्यालय से छात्र छात्राएं, वो एक शिक्षक और एक शिक्षिका उनको ले जाकर भ्रमण के अर्थात घूमने के उद्देश्य से वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ का देखकर नजारा, वो जिस प्रकार से वहाँ देखते हैं उसका वर्णन करते हैं, और अपनी कौन कौन से क्लास से कितने बच्चे गए थे, किस कक्षा के कितने थे, इसका भी वर्णन इसमें आप पढ़ेंगे। और आप उसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की गिनती भी आप संस्कृत के इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे। आपको मैं ये पाठ पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। भारत से दक्षिण कोणे कन्याकुमारी नाम धेया प्राचीना नगरी अस्ति। भारत के दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी नाम की प्राचीन मतलब बहुत पुरानी नगरी अस्ति मतलब है। वयम विंशति जना, हम 20 लोग। ये विंशति क्या है, ये 20 इसको कहते हैं 20, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं विंशति, ही संस्कृत में कहते हैं 20 को। विंशति जना तत्र मतलब वहां भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, अगच्छाम मतलब गए थे, तेषु छात्रेषु उन सभी छात्रों में, दो बालिके मतलब दो बालक और दो बालिकाएं, चार लगा है इसलिए दो बालक और दो बालिकाएं। मैंने चार आपको कई पाठों में बताया कि चार जब संस्कृत में लगा होता है तो वो उस शब्द के पीछे लगा होता है, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में आगे लिया जाता है। एकादश कक्षाया, एकादश कक्षाया मतलब एकादश मतलब होता है ग्यारहवीं, ग्यारह। तो एकादश कक्षाया मतलब एकादश कक्षा के, ग्यारह कक्षा के। त्रया बालका, तीन बालक। तीसरा बालिका, तीन बालिकाएं। क्या कहा की थी, दसवीं कक्षाया, दसवीं कक्षा के। चतुरा बालका, चतुस्रा बालिका, चार बालक और चार बालिकाएं। नवमी कक्षाया आसन, नवमी कक्षा के थे। समवेत रूपेण अष्टादश छात्र छात्रा, सम्मिलित रूप से 18 छात्र छात्राएं। एका शिक्षिका, एक अध्यापक, एका शिक्षिका और एक अध्यापिका अर्थात एक फीमेल टीचर तत्र गतवंतः, वहां गए थे। कन्याकुमारी त्रयाणाम सागराणाम संगम स्थली अस्ति। कन्याकुमारी नाम की ये जगह जो है, ये तीन सागरों के मिलने का स्थान है। संगम स्थली का मतलब होता है मिलन का स्थान, मिलने का स्थान है। अत्र यहाँ बंग समुद्र से, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर से, अरब सागर का, और चा लगा हिंद महासागर से, चा तो और हिंद महासागर का संगमा भवति। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है। एते त्रयः समुद्राः, एते मतलब यहाँ, ये तीनों समुद्र भारत वर्ष के पद तलम सततम प्रक्षालयन्ति, पैरों को सततम मतलब निरंतर प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं। अत्र प्रातः, यहाँ प्रातः मतलब सवेरे, सायंकाले चा और शाम को, शाम में क्या होता है, सूर्योदयस्य सूर्यास्तस्य दृश्यम, सूर्य के उदय होने का था सूर्य निकलने का, और सूर्य के अस्त होने का था सूर्य डूबने का। दृश्यम नजारा, दृष्टुम देखने के लिए, जना मतलब लोग, दूरात आगच्छन्ति दूर से आते हैं। सूर्यो अपि, सूर्य भी, पीता, सूर्य भी क्या हो जाता है, पीता पीला, अरुणा लाल, धवला सफेद, नीला चा और नीला, अनेक वर्णई अनेक रंगों में भासते मतलब प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। सागरस्य आकर्षणम दृष्ट्वा, सागर के इस आकर्षण को, खिंचाव को देख करके, सर्वे बालका सभी बालक, तत्र स्नातुम वहां स्नान करने के लिए, उत्सुका अभवन उत्सुक हुए, घंटार्ध पर्यंतम आधा घंटा के बाद, ते तत्रैव ते वो सब वो सभी छात्र, तत्रैव मतलब वहां ही, जल क्रीड़ा कुर्वन पानी में ही खेलने लगे। तर अनंतरम इसके पश्चात, शिक्षकस्य अध्यापक के, सीटिकाम श्रुत्वा विसिल को सुनकर, सीटी को सुनकर, ते बही आगतवंतः, ते मतलब वे सभी छात्र बाहर आ गए। शिक्षिका अवदत, अध्यापक बोला, यत् कि सर्वे आगतवंतः सभी आ गए हैं। अर्जुना गणित्वा गणित्वा बद, एक कोई छात्र उसमें से अर्जुन था, जिसको उन्होंने कहा कि अर्जुन गिन करके गणना करके बद मतलब बोलो। तो अर्जुना बालकाम गणयति,
सब अर्जुन बालकों की गणना करता है, गिनता है, एक दो त्रय चार पंच खट सप्त अष्ट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ऐसा इस प्रकार से वो गिनता है। गिनते हुए कहता है फिर आगे, गणयित्वा सह अकस्मात उच्चैः वदति, गणना करके वह वही अर्जुन, वो अर्जुन बोलता है अकस्मात मतलब अचानक, उच्चैः वदति जोर से बोलता है, महोदय हे, अध्यापक को संबोधित कर रहा है इसलिए कहता है महोदय, हे महोदय, एका बालका, एक बालक नास्ति, नहीं है। ततः इसके बाद सुत्वा सुन करके शिक्षक शिक्षिका चा अध्यापक और अध्यापिका सत्वरम शीघ्र ही आगत्य आकर के पुनः गणयता, फिर से गिनते हैं। शिक्षिका कथयति, अध्यापिका कहती है, यत सर्वे की सर्वे अत्रैव आसन, सभी यहाँ हैं, परंतु अर्जुन स्वस्य गणना एव न कृतवान, अर्जुन ने अपने को ही नहीं गिना था, अपने की ही गणना नहीं की थी। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से सप्तदश छात्रा 17 छात्र ही गणयत इस्म, एव मतलब ही गणयत इस्म मतलब ये गिनता था, अर्जुन योजयित्वा अर्जुन को जोड़कर अष्टादश बालका तु संति एव, 18 बालक तो हैं ही, तू मतलब तो संति मतलब हैं, एव मतलब ही, मतलब कहती है शिक्षिका कि अगर अर्जुन को भी जोड़ दिया जाए तो 18 बालक तो हैं ही। एवं सुत्वा सर्वे हसितवन्तः, ये सुनकर सभी लोग हंसते हैं। आत्रांतरे वयम, इसके पश्चात हम लोग, हम सब विवेकानंद स्मारकम अगच्छाम, विवेकानंद स्मारक को गए। अत्रैव यहाँ ही स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एक वारम आगतवान, एक बार आए थे। समुद्र जले स्थितायाम, समुद्र जल में स्थित शिलायाम, शिला में पत्थर में उपविष्ट बैठ करके, सह सह मतलब वो विवेकानंद, त्रीणि दिनान यावत ध्यान मग्न आसीत, 3 दिनों तक लगातार ध्यान मग्न थे। वयम तत्र सूर्योदय से रमणीयम दर्शनम कृत्वा, वयम मतलब हम सब, तत्र मतलब वहाँ, सूर्योदय के, सूर्य के निकलने के, रमणीयम का मतलब होता है मन को मनोहर लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाले दर्शन को करके, स्वामी विवेकानंद स्मारकस्य, स्वामी विवेकानंद स्मारक के दर्शन कृत्वा, दर्शनम कृत्वा दर्शन करके, धन्या अभवान, धन्य हुए, धन्य हो गए थे। इस प्रकार से ये आपका पाठ 9 संस्कृत कन्या कुमारी भी पूरा हुआ। अगला पाठ आपका है देवव्रत, जिसमें आपको महाभारत कालीन भीष्म पितामह के बचपन के नाम देवव्रत से परिचित कराया जाएगा, और उनके द्वारा ली गई भीष्म प्रतिज्ञा, जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था, भीष्म पड़ा था, ऐसे उनका क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि वो ये बहुत पितृ भक्त थे, पिता की भक्ति में लीन रहते थे, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ये एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी। वो प्रतिज्ञा ये थी कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, ऐसी वो कथा आप वार्ड 10 में पढ़ेंगे, जो महाभारत कालीन है, महाभारत के समय में है। इस पाठ की जो शब्दार्थ है, शब्द के अर्थ है, वो इस प्रकार लिखे हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उन्हें सुनकर अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखिए। यहाँ शायद आपको स्पष्ट वीडियो न दिखता हो तो मैं इसलिए बोल देता हूँ, भारतस्य का मतलब होता है भारत के, दक्षिण कोणे का मतलब होता है दक्षिण दिशा में, नाम धेया का मतलब होता है नाम की, प्राचीना का मतलब होता है बहुत पुरानी, विंशति का मतलब होता है 20, जना का मतलब होता है लोग, भ्रमणाय का मतलब होता है घूमने के लिए, एकादश का मतलब होता है गेरा, जिसे 11 आप कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए, 3 को 2 बार लिखा गया, त्रया और तीसरा, यहाँ त्रया को लिंग शब्द यानी बालक के लिए प्रयोग किया गया है, 3 की संख्या तो लिखा गया है त्रया, स्त्रीलिंग यानी बालिका के लिए प्रयोग किया गया है तो लिखा गया है तीसरा, तो तीसरा मतलब 3, त्रया मतलब 3। इसी तरह चत्वारा पुल्लिंग शब्द है अर्थात बालकों के लिए प्रयोग हुआ है, तो 4, चत्रसा स्त्रीलिंग शब्द है और ये बालिकाओं के लिए प्रयोग हुआ है, इसका भी मतलब होता है 4। अष्टादश का मतलब होता है 18, त्रयाणाम का मतलब होता है तीनों का, बंग समुद्र का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी का, पद तलम का मतलब होता है चरणों को, सततम का मतलब होता है लगातार निरंतर, प्रच्छालयंति का मतलब धोते हैं, पीता का मतलब पीला, अरुणा का मतलब लाल, धवला का मतलब सफेद, नीला का मतलब नीला,
नीला, नीला का मतलब नीला वर्ण ही का मतलब रंगों से, घंटार्ध पर्यंतम मतलब आधा घंटे के बाद, तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, सीटिकाम का मतलब होता है सीटी को, जिसको आप इंग्लिश में वेसल कहते हैं, वेसल को। इस प्रकार से आपको मैंने शब्दों के अर्थ भी बताए, इनको आप क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे वीडियो के माध्यम से, और इनको अच्छे प्रकार से याद करके इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। अब मैं आपको अगला पाठ अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, पाठ 10, जहां तक आपका सिलेबस है, संस्कृत के सिलेबस का अंतिम चैप्टर होगा आपका देवव्रत पाठ 10। आप लोग अच्छी प्रकार से घर में रहिए, परीक्षा की तैयारियां शुरू कर लीजिए, परीक्षाएं आपकी बहुत जल्द वार्षिक परीक्षाएं होंगी और आप आगे की कक्षा में पहुंचेंगे पास करने के बाद। इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से दोनों सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत को तैयार करते रहिए, और अच्छे अंकों के साथ प्रदर्शन करते हुए नई कक्षा में जाने के लिए विद्यालय में पुनः उपस्थित होंगे, तो हम आपके सामने होंगे, आपको फिर से हम कक्षा 9 में भी हिंदी जैसा विषय पढ़ाएंगे। धन्यवाद।